अमेरिका ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में घिरे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बड़ी रियायत दी है और अपने फैसले के बचाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से किसी नेता को इस तरह की छूट दी गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस तरह की छूट दी गई थी। हालांकि भारत की तरफ से अभी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बाइडेन प्रशासन की इस टिप्पणी का विरोध जरूर शुरू हो गया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने जो छूट दी है इससे सऊदी प्रिंस को फायदा क्या होगा। तो आपको बता दें कि अब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी वो बेरोक टोक अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है ताकि सऊदी अरब के साथ उसके बिगड़े संबंध फिर से पटरी पर लौट सके। अब बात करते हैं सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी का हत्या का मामला क्या था। तो आपको बता दें कि जमाल खशोगी सऊदी अरब के शाही परिवार के आलोचक माने जाते थे। जान का खतरा होने के चलते उन्होंने देश छोड़ दिया था। 2018 में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में जमाल खशोगी को आखिरी बार देखा गया। वो सऊदी अरब के वाणिज्यिक दूतावास में कुछ जरूरी दस्तावेज लेने गए थे। वहां से निकलते वक्त उनकी हत्या कर दी गई थी। तुर्की ने हत्या का इल्जाम सऊदी अरब पर लगाया। खशोगी की हत्या के आरोप में पूर्व शाही गार्ड खालिद को गिरफ्तार किया गया था। सऊदी अरब का कहना है कि उसने खशोगी को लाने के लिए एजेंट्स को भेजा था, जबकि तुर्की का आरोप है कि उन्हीं एजेंट्स ने खशोगी की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरी दुनिया में सऊदी सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हुआ। इससे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की छवि काफी खराब हुई थी। हालांकि उन्होंने इस हत्या में अपना कोई भी हाथ होने से साफ तौर पर इनकार किया था, लेकिन इस फैसले के पीछे की वजह पर गौर करें तो आपको कहानी कुछ और ही मालूम पड़ेगी। आपको याद होगा बीते महीने ओपेक प्लस देशों की बैठक हुई थी, जिसमें यूएई ने पेट्रोलियम उत्पादन में कटौती का ऐलान किया था। इस फैसले का अमेरिका ने कड़ा विरोध किया था और यूएन में मामले की शिकायत करने की बात कही थी। और तो और अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ की गई रक्षा हथियार डील कैंसिल करने की धमकी तक दे डाली थी। ओपेक देशों के इस फैसले से अमेरिका में पेट्रोल के दाम एकाएक बढ़ने लगे। बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए अमेरिका को अपने पेट्रोलियम रिजर्व तक खोलने पड़े। उधर सऊदी अरब भी अमेरिका को सबक सिखाना चाहता था, तो उसने अमेरिका का साथ छोड़ हथियारों के लिए रूस से हाथ मिला लिया। ऐसे में अमेरिका को अपनी गलती समझ आई। बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब से अपने रिश्तों को लेकर मंथन किया। बीते दिनों G20 सम्मेलन में सऊदी प्रिंस सलमान से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय मुलाकात की, इसके फौरन बाद ये फैसला सामने आया है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि उसे ना तो महंगा पेट्रोल खरीदना पड़े और ना ही हथियारों के लिए सऊदी अरब रूस के पाले में चला जाए। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।